सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाइंड है या कची मिसरी जेड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में कोई भले तमा rishto.com में मेंबरशिप वर्ती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका का कार्यकाल 4 अप्रैल को समाप्त हो गया, जिसके चलते उल्लासनगर महानगर पालिका मुख्यालय के गलियारों में सन्नाटा छाया रहा। सभी कक्षों से नाम की तख्तियों को उतार दिया गया और इन कक्षों को ताले लग चुके हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कार्यकाल समाप्त हो गया पर चुनाव नहीं हुआ है। अब उल्लासनगर महानगर पालिका के कामकाज प्रशासन की देखरेख में चलेगा। वही प्रशासन की तरफ से उल्लासनगर मनपा आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि को ही प्रशासक का कार्यभार की जिम्मेवारी दी गई है। वर्ष 2017 में महानगर पालिका में निर्वाचित 78 और 5 स्वीकृत नगर सेवकों का कार्यकाल 4 अप्रैल को समाप्त हो गया। साथ ही महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति सभापति, सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता सहित अन्य विशेष समितियों के सभापतियों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया और इन प्रभाग समितियों पर सहायक आयुक्तों और संबंधित विभाग के अधिकारियों की देखरेख में अब शहर के सारे कामकाज होने वाले हैं। आइए जानते हैं उल्लासनगर महानगर पालिका सचिव प्राजक्ता कुलकर्णी क्या जानकारी दे रही है। महानगर पालिका के मुदत खत्म होने के बाद शासन की तरफ से लेटर आया है 3 मार्च 2022 को। शासन के लेटर में यह लिखा गया है कि 4/4/2022 को मुदत खत्म होने के बाद माननीय आयुक्त उल्लासनगर महानगर पालिका डॉक्टर राजा दयानिधि ही इनको ही प्रशासक का कार्यभार सौंपा गया है। तो आज से दिनांक 5/4/2022 से माननीय डॉक्टर राजा दयानिधि प्रशासक करके उल्लासनगर महानगर पालिका में कार्यरत रहेंगे। मैडम, शहरवासी को अगर कोई समस्या होती है कुछ कामकाज की तो उस किस तरह से आप इससे संपर्क करें? हमारे उल्लासनगर महापालिका के हद में 4 प्रभाग समितियां है, वहां पे प्रभाग अधिकारी है, पूरा स्टाफ वहाँ पे। अगर नागरिकों को कोई समस्या होती है तो वो प्रभाग अधिकारी के पास जाएंगे तथा कंसर्न HOD जो भी हमारे मुख्यालय में है, किसी भी बात की समस्या हो, बांधकाम विभाग है, पानी पुरोठा विभाग है, आरोग्य विभाग है, अनेक ऐसे डिपार्टमेंट के HOD बैठे हैं, उनके पास वो अप्लाई करेंगे तो उनको वहाँ से ज़रूर कोशिश रहेगी प्रशासन की कि प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।